मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर मैथ सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड फिफ्थ। योर चैप्टर 8 इज मैपिंग योर वे। तो लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 122 तक देखा था, आज देखेंगे पेज नंबर 123 पर द सी के बारे में। तो बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी। बाला कहाँ स्टैंडिंग है? ऑन द सी कोस्ट पर, ठीक है, और क्या देख रही है? वास्ट सी देख रही है। द सी लुक्स कैसा दिख रहा है? एंडलेस। एंडलेस आपको पता है कि सी कैसा होता है, एंडलेस होता है कि नहीं? द सी लुक्स कैसा है? एंडलेस। तो क्या है उसमें कि हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर? वेर इज द सी? क्या है इन द पिक्चर? वेर इज द सी? नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। क्या देखना है? मैप ऑफ इंडिया में आपको देखना है कहाँ है सी। व्हाट कलर ही यूज्ड टू शो अ सी? सी को बताने के लिए कौन सा कलर यूज किया है? तो क्या है कि मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। क्या करना है? मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। तो यस आई हैव सीन द सी। क्या देखा है हमने? इसकी देखा है मैंने इन द पिक्चर द सी इज ऑपोजिट टू बाला। किससे ऑपोजिट है? बाला से। ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो सी द मैप। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी? तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हम फिर से एक्सरसाइज में देखेंगे, बट एक बात समझ लो कि व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी? तो ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू। तो ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो सी ऑन द मैप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। तो स्टेट्स विच हैव सी ऑन देयर वन साइड आर, कौन सा आएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। कौन से? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे। एंड बिहार इज वन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स विच डू नॉट हैव सी ऑन एनी वन साइड। बिहार एक ऐसा एग्जाम्पल है कि स्टेट्स विच डू नॉट हैव सी ऑन एनी वन साइड। फाइंड आउट में क्या है? फाइंड आउट में है कि लुक फॉर डिफरेंट मैप्स में आपको देखना है, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन अ लोकल एरिया में, अ मैप ऑफ इंडिया एंड अ वर्ल्ड मैप एक्सेट्रा। तो उसमें लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स के बारे में बताया है कि सबू इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइन्स शो बिटवीन द स्टेट्स। सबू किसमें कंफ्यूज्ड है कि अबाउट द लाइन्स शोन बिटवीन द स्टेट्स, में ऐसे लाइन बताइए उसकी लाइन्स के बारे में वो कंफ्यूज है। तो आई ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा। कहाँ से ट्रैवल किया? दिल्ली टू हरियाणा। बट नेवर सो एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप? ठीक है, तो क्या है कि नो देर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड। एनी लाइन्स पेंट की नहीं है ग्राउंड्स पर। तो द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिंस। ओ यस, वी पेड द टॉल टैक्स एट द बॉर्डर। आई सो अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। क्या है? वेलकम टू हरियाणा। बिग बोर्ड था, उसमें क्या लिखा था? वेलकम टू हरियाणा। पेज नंबर 124 पर बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स। किसके डिस्टेंस के बारे में बताया है? कि डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, टाउन्स के डिस्टेंस के बिटवीन के बारे में बताया है कि दिस आर फाइंड टाउन्स। फाइंड आउट कितने टाउन्स है? फाइंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप? मैप में आपको ऐसे फाइंड करना है कि इडलीपुर से इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। ठीक है, तो उसमें है कि इडलीपुर टू बर्फीनगर कितना, ये इडलीपुर है और ये कितना है? ये इडलीपुर और ये बर्फीनगर है। तो इडलीपुर इज 4.7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बर्फीनगर। कितना अवे है? इडलीपुर इज 4.7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। और आपको मेजर करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर? तो स्केल देखो, स्केल में आपको बताया है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू कितना लिखना है हमें?
10 किलोमीटर स्केल में लिख के बताया है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर, पेपर में 1 सेंटीमीटर, तो आपको कितना लिखना है 10 किलोमीटर। तो क्या है क्वेश्चन कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि हैंस इडलीपुर इज 4.7 था, 4.7 किलोमीटर क्रॉस हमें क्या करना पड़ेगा 10, तो 4.7 क्रॉस 10 किलोमीटर हम करेंगे तो क्या आएगा 47 किलोमीटर आएगा ना। पहले हमने मेजर किया था ये सेंटीमीटर में 4.7 सेंटीमीटर, बट स्केल में आपको का क्या बताया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हैंस 4.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 10 क्रॉस 4.7 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं 10 क्रॉस 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 4.7 सेंटीमीटर को ऐसे सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर को हमें 10 किलोमीटर में से कन्वर्ट किया है, तो 10 क्रॉस 4.7 किलोमीटर हम लिखेंगे तो क्या आएगा 47 किलोमीटर, क्या आएगा 47 किलोमीटर। हैंस इडलीपुर इज 47 किलोमीटर अवे फ्रॉम बर्फी नगर, ठीक है। देयर इज अ प्लेस कोल्ड, क्या है तुकाराम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर मार्क 8 विथ अ टी, क्या टू से मेजर करना, आपको टी से मार्क करना है, वो आपको क्या करना है खुद ही करना है टी से, कौन से कि देयर इज अ प्लेस कोल्ड, कौन सा प्लेस है तुकाराम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर मार्क 8 विथ अ टी, क्या करना है ऐसे टी से मार्क करना है, कौन से टी से मार्क करना है। एंड टाउन कोल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोलेला, क्या है छोलागत एंड ढोकला बेल्ट, तो व्हाट डू यू थिंक इट कैन, तो उससे आपको कैसे मेजर करना है जे से मेजर करना है, कैसे जे से, ठीक है। एंड मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन बेलपुर एंड छोलेगढ़ यू कैन यूज अ थ्रेड, उसमें आप ऐसे थ्रेड को यूज कर सकते हैं, बट उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बेलपुर एंड क्या है छोलागढ़ कितना है, बेलपुर एंड छोलागढ़ का कितना है 5.5 सेंटीमीटर, क्या यूज करना है ऐसे आपको डिस्टेंस दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा यूज यू कैन यूज अ थ्रेड, क्या यूज करना पड़ेगा थ्रेड को यूज करना पड़ेगा कि यू कैन यूज अ थ्रेड, तो हम ऐसे छोलागढ़ से बेलपुर का डिस्टेंस मेजर करके थ्रेड को यूज करते हैं हम, तो ऑन द मैप और डिस्टेंस बिटवीन बेलपुर एंड छोलागढ़ इज कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर होगा। हैंस डिस्टेंस कितना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 10 क्रॉस 5.5 किलोमीटर इज इक्वल टू हम 55 किलोमीटर लिख सकते हैं ऐसे, 10 क्रॉस 5.5 किलोमीटर इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं 55 किलोमीटर, कितना लिख सकते हैं ऐसे 55 किलोमीटर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताया है आपको आशीष स्कूल, किसके बारे में आशीष स्कूल के बारे में बताया है, तो आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, टॉप से हम देखते हैं तो ऐसी दिखती है, यूज द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट, क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस, तो द एरिया ऑफ द असेंबली क्या है कि द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑफिस, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम, क्लासरूम की लेंथ एंड विड्थ को क्या करना है मेजर करना है, तो लेंथ इज 5 मीटर एंड विड्थ इज कितनी आएगी 4 मीटर, लेंथ इज 5 एंड विड्थ इज 4। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑल क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस, लुक केयरफुली एंड आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज, क्या है विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड अलमीरा विंडोज, चलो ब्लैक बोर्ड हमें किधर क्या कहाँ दिया है, ब्लैक बोर्ड इधर दिया है कि नहीं, तो ब्लैक बोर्ड है ये, क्या है नोटिस बोर्ड है, ये क्या है डिस्प्ले बोर्ड है, ये अलमीरा है, ये दोनों विंडो है, और ये क्या है डोर है, एंड ये क्या है
बेंचेस है, ठीक है। फिर से देख लो, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, ये डॉर, ये नोटिस बोर्ड है, ये क्या है, डिस्प्ले बोर्ड, ये क्या है, अलमीरा, ये दोनों क्या है, विंडो हैंड, ये सारे क्या है, बेंचेस है। तो विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है, तो डिस्प्ले बोर्ड इज क्या है, डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड से क्या है, ब्लैक बोर्ड से जो डिस्प्ले बोर्ड है एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है, एग्जैक्टली है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, फिर से स्कूल मैप को आपको देखना है, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस टू बी, क्या करना है, ऐसे मार्क करना है, तो आपको ऐसे दिया है, तो क्या है उसमें, उसमें हम 2 सेंटीमीटर स्केल्स में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना है, हमें 5 मीटर लेना है, कितना, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो उसमें हम नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, फिर से देखना एंड मार्क वेयर वुड दिस टू बी ब्लैक बोर्ड इन 3rd A and 7, ठीक है, ऐसे करना है आपको। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सीट द प्ले ग्राउंड, ठीक है, तो नो अ चाइल्ड सिटिंग 3rd A कैन नॉट सी द प्ले ग्राउंड। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट क्या है, हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में क्या है कि अ पॉलीजन विथ 6 साइड, क्या है, पॉलीजन को ऐसे 6 साइड है, हेक्सागोन को 6 साइड है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, कौन सी 6 साइड है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो पेज नंबर 113 पर जो आपको क्वेश्चन दिया है वो हम देखते हैं कि हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, लुक एट द मैप 1, मैच इफ इट द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज ड्रॉ इट ऑन द मैप। तो यस, आई हैव सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, आफ्टर मैचिंग द मैप विथ द फोटो द पोजिशन ऑफ इंडिया गेट इज शोन बिलो, तो आपको इंडिया गेट की पोजिशन दी थी। सेकंड है कि सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो, ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर में देखे थे, तो कि द रोड्स शोन इन द मैप आर क्लियरली विजिबल इन द फोटो, वो फोटो में क्लियरली विजिबल है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, तो ऑन माई वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट आई हैव क्रॉस फॉलोइंग रोड्स, रफी मार्ग, कौन सा, रफी मार्ग, जनपद एंड मानसिंह रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो, तो क्या है कि द नेशनल स्टेडियम इन सीन इन मैप 1 बट कैन नॉट बी सीन इन द फोटो। पेज नंबर 114 पर आपको दिया है कि द सेंट्रल हेक्सागोन, ये क्वेश्चन देखते हो तो आपको बुक भी साइड में रखनी है क्योंकि आपको समझ में आए, द सेंट्रल हेक्सागोन, उसमें फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, येलो एरिया का शेप को आपको देखना है, हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, तो यस आई हैव सीन दिस शेप बिफोर, इट हैज 6 साइड, कितनी साइड्स, 6 साइड, दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागोन, जो 6 साइड है वो क्या है, सेंट्रल, ऐसा 6 साइड था ना ऐसा हेक्सागोन, तो वो क्या था आपका, सेंट्रल हेक्सागोन्स। तो फाइंड आउट फ्रॉम द मैप, 6th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड द चिल्ड्रंस पार्क बी, तो वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट द चिल्ड्रंस पार्क इज ऑन द राइट साइड, कहाँ है चिल्ड्रन पार्क, राइट साइड है। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम, तो अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का कि विच ऑफ द अबाव पेयर्स ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल्स, द जनपथ एंड राजपथ कट एट राइट एंगल्स, कौन सा, जनपथ एंड राजपथ कट एट राइट एंगल्स, तो मार्क द रूट, उसमें पेज नंबर 116 पर आपको दिया है। 9th नंबर का क्वेश्चन कि ट्रेस द रूट ऑफ द पराडे इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ, आपको मैप देखना है सीरीज वाइज जो मैप आता है वो, द रूट मैप ऑफ द पराडे इज गिवन बिलो, तो उसमें है कि लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट, तो उसमें है क्या है, केयरफुली एंड फाइंड आउट, तो उसमें है
कि विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड, तो कौन सा लॉन्गेस्ट रोड है, तो तिलक मार्ग इज द लॉन्गेस्ट रोड, कौन सा मार्ग, तिलक मार्ग इज द लॉन्गेस्ट रोड। बी है कि द रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द पराडे, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक, द रूबिया विल हैव टू वॉक अबाउट 1 किलोमीटर टू ज्वाइन द पराडे, पराडे में ज्वाइन होने के लिए उनको कितना वॉक करना पड़ेगा, अबाउट 1 किलोमीटर। सी है कि द टोटल रूट ऑफ द पराडे इज अबाउट हाउ लॉन्ग, तो ये भी हमने चैप्टर में देखा था कि द रूट ऑफ द पराडे इज अबाउट कितना लॉन्ग था, 16 किलोमीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग था, 16 किलोमीटर। पेज नंबर 118 पर है कि फाइंड आउट फ्रॉम मे 4, ए में है कि विच ऑफ दिस इज द नियरेस्ट टू रिवर यमुना, द दीवानी आम और अ दीवानी खास, तो क्या आएगा कि विच ऑफ दिस नियरेस्ट टू रिवर यमुना, रिवर यमुना से कौन सा नजदीक है, दीवानी आम या दीवानी खास, तो द दीवान ई खास इज नियरेस्ट टू रिवर यमुना देन दीवानी आम से, तो दीवानी खास है वो किससे नियरर है, रिवर यमुना से नियरर है। बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आरामगढ़, तो आरामगढ़ लाइज बिटवीन द दीवानी खास एंड कौन सा, रंग महल। सी नंबर का क्वेश्चन है कि विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हमाम, तो विच गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम वी पास आरामगढ़, द दीवानी खास एंड कौन सी मस्जिद, मोटी मस्जिद। तो फिर से देख लो क्वेश्चन कि विच गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम वी पास आरामगढ़, दीवानी खास एंड मोटी मस्जिद। डी नंबर का क्वेश्चन है कि विच बिल्डिंग्स, क्या है, विच बिल्डिंग्स ऑन दिस मैप इज फार्देस्ट फ्रॉम मीना बाजार, तो हमाम इज फार्देस्ट फ्रॉम मीना बाजार, कौन सा फार्देस्ट है मीना बाजार से, हमाम। अबाउट हाउ फार इज लोहरी गेट फ्रॉम दीवान ई खास, तो लोहरी गेट इज अबाउट 600 मीटर फ्रॉम दीवानी खास, तो लोहरी गेट जो है वो कितने, दीवानी खास से अबाउट कितना है, 600 मीटर। उसके बाद है पेज नंबर 120 पर, नाउ ट्राई दिस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज, तो द पार्ट ऑफ द मैप इंडिकेट्स फॉलोइंग, क्या है, क्या इंडिकेट्स करता है, राजपथ, राफी मार्ग, जनपथ, मासिंग रोड, इंडिया गेट एक्सेट्रा, ये सारे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ द पराडे रूट मे बी स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल, तो इट्स स्केल वुड बी 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें कितना लेना है, 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। पेज नंबर 120 पर जो क्वेश्चन दिए है उसमें ए नंबर का क्वेश्चन है, क्या है कि द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट दट इज, विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, तो फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली द टीम क्रॉस इज फॉलोविंग स्टेट्स, कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, फ्रॉम मध्य प्रदेश टीम मे बी ऑल्सो गो थ्रू हरियाणा और राजस्थान। बी नंबर का क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रैवल्स टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू दिल्ली द टीम क्रॉसेस फॉलोइंग स्टेट, कौन से क्रॉस करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। सी है कि नॉन लिव्स इन गुजरात, नोनूस फ्रेंड्स चौडल लिव्स इन वेस्ट बंगाल, नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल, तो टूवर्ड्स ईच, कौन सा, टूवर्ड्स ईच। डी नंबर का क्वेश्चन है कि इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो नो। ई नंबर का क्वेश्चन है कि इज देयर एनी स्टेट विच टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, तो क्या आएगा, नो। बाद में है कि इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर, कितना बताता है, 200 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये स्केल यूज करनी है। ए नंबर का क्वेश्चन है कि अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, तो क्या आएगा, 250 किलोमीटर। बी नंबर का क्वेश्चन है कि एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, जयपुर से भोपाल कितना फार है ऑन द मैप इज ब्लैंक सेंटीमीटर,
एंड ऑन द ग्राउंड, तो ऑन द मेप इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें कितना दिया था 200 किलोमीटर, ठीक है, तो ऑन द मेप 2 सेंटीमीटर, तो ऑन द ग्राउंड कितना होगा 2 सेंटीमीटर है, इसलिए 400 किलोमीटर, सिंपल ही है। तो लुक एट द मेप एंड टेल, तो ए है कि वी स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स, तो मध्य प्रदेश कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश। बी नंबर का है कि वी स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एरिया, इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स, एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर। तो राजस्थान दिस कैन बी इजीली ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट द मैप, दिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय सर्चिंग ऑन द इंटरेस्ट। वी स्टेट इज अबाउट 8 times bigger in area than सिक्किम, तो कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश, क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। डी नंबर का है कि अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान इज अबाउट 7 times द एरिया ऑफ पंजाब, कितने टाइम्स, अबाउट 7 times। पेज नंबर 123 पर मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन द मैप ऑन वन साइड, नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, तो यस आई हैव सीन द सी इन द पिक्चर, द सी इज ऑपोजिट टू बाला, पिक्चर में क्या है, बाला से वो ऑपोजिट है सी, ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो सी ऑन द मैप, ठीक है। तो स्टेट्स विच हैव सी ऑन देयर वन साइड आर कौन से है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, एंड है कि बिहार इज वन एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट्स, क्या है कि बिहार इज वन एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट्स विच डू नॉट हैव सी ऑन एनी वन साइड। पेज नंबर 124 पर दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, फर्स्ट है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप, इडलीपुर इज 4.7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर, तो द स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें कितना लेना है 10 किलोमीटर, हैंस 4.7 किलोमीटर, अभी देखा था कि 4.7 किलोमीटर क्रॉस 10, तो 4.7 किलोमीटर क्रॉस 10 करोगे तो हमें कितना मिलेगा 47 किलोमीटर, हैंस इडलीपुर इज 47 किलोमीटर अवे फ्रॉम बर्फीनगर। थर्ड है कि मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर टू अ छोलागढ़, तो यू कैन यूज अ थ्रेड, हमें क्या यूज करना है, थ्रेड को यूज करना है। ऑन द मेप द डिस्टेंस बिटवीन भेलपुर एंड छोलागढ़ इज इक्वल टू कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर, हैंस डिस्टेंस तो 10 x 5.5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 55 किलोमीटर। पेज नंबर 124 पर दिया है असी स्कूल, तो असी स्कूल में क्या है कि असी स्कूल लुक लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड दैट ऑफ द ऑफिस, तो द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड इज 5 times दैट ऑफ द ऑफिस। सेकंड है कि हाउ मच इज द लेंथ एंड विथ ऑफ इच क्लास रूम, तो लेंथ इज इक्वल टू 5 meter एंड विथ इज इक्वल टू कितने मीटर 4 meter। ऑल क्लास रूम इन अशी स्कूल्स लुक लाइक दिस, तो लुक केयरफुली एंड आंसर, उसमें ए है कि विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, अलमीरा, विंडो, नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड, तो डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, एंड कैन अ चाइल्ड सिटिंग ऑन थर्ड ए सी द प्ले ग्राउंड, तो नो, अ चाइल्ड सिटिंग इन थर्ड ए कैन नॉट सी द प्ले ग्राउंड।